सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। सो गाइस, इस ड्राइंग का बेसिकली ये लास्ट पार्ट है। एंड इस ड्राइंग से पहले ऑलरेडी गाइस मैंने दो पार्ट डाल दिया, वो आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख लेना। एंड मैंने इस ड्राइंग में एक चैलेंज लिया था कि गाइस मैं ओनली दो ग्रेड्स का पेंसिल से गाइस मैं इस ड्राइंग को कम्प्लीटली ड्रॉ करने वाला हूँ। एक है आर्टलाइन का 12B पेंसिल एंड एक है गाइस ब्रुस्टो का HB पेंसिल। तो देख सकते हो, मैं सोचा था कि ये दोनों पेंसिल से मैं कम्प्लीटली ये रेफरेंस फोटो को ड्रॉ करने वाला हूँ, बट गैस एक ट्विस्ट आ गया। मैंने गैस एक मैकेनिकल पेंसिल भी यूज़ कर लिया था, इसमें गैस HB का लीड है, तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि गैस HB पेंसिल काफ़ी ज़्यादा लाइट हो रहा था, तो जैसे गैस शेडिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इसलिए गैस मैंने मैकेनिकल पेंसिल यूज़ किया, तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए गैस बिना कुछ टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ। इससे पहले गाइस मैंने ऑलरेडी दो पार्ट डाल दिया है, वो गाइस आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। एंड बेसिकली ये लास्ट पार्ट है, तो इस वाले वीडियो में गाइस हम लोग इस ड्राइंग को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, मैं जेठालाल का सबसे पहले नोज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। एंड गाइस, मैं फेस में स्किन वगैरह ड्रॉ करने के लिए गाइस मैंने ओनली HB पेंसिल यूज़ किया है। एंड बाय द वे, मैंने और कोई भी पेंसिल यूज़ नहीं किया है। एंड यहाँ पर अभी गाइस मैं मुस्टैचू में फर्स्ट रेड अप्लाई कर दिया। एंड बाकी डार्क एरियाज़ के लिए गाइस मैंने 12B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। एंड गाइस, मैं चीक में थोड़ा मैकेनिकल पेंसिल भी यूज़ किया है शेडिंग करने के लिए, क्योंकि गाइस HB पेंसिल से मेरे को ज़्यादा डार्कनेस नहीं मिला था, तो दैट्स व्हाई गाइस मैंने मैकेनिकल पेंसिल भी यूज़ किया है। उसमें भी HB का लीड है, बट मैं थोड़ा प्रेशर का अप्लाई कर रहा था मैकेनिकल पेंसिल से। और आप लोगों के पास मैकेनिकल पेंसिल है तो आप लोग भी गाइस जरूर यूज़ करना। एंड बाय द वे, नहीं है तो गाइस आप लोग HB पेंसिल से ही प्रेशर अप्लाई करके गाइस शेडिंग करना। तो यहाँ पर देख सकते हो, अभी गाइस मैंने माउथ को ड्रॉ कर लिया। माउथ ड्रॉ करना काफ़ी ईजी है। एंड गाइस, इससे पहले वाला पार्ट में गाइस मैंने बहुत कुछ बताया था कि फेस में स्मूथ शेडिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं, एंड इसमें भी बताने वाला हूँ, बट गाइस आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लेना। तो यहाँ पे गाइस मैंने फर्स्ट रेड अप्लाई करके मैंने ब्लेंड कर दिया काफ़ी अच्छे से। एंड यहाँ पर अभी गाइस मैं मैकेनिकल पेंसिल से सेकंड लेयर अप्लाई कर रहा हूँ, इसमें भी HB का ही लीड है, बस मैं थोड़ा प्रेशर का अप्लाई करके सेटिंग कर रहा हूँ काफ़ी अच्छे से। मैं काफ़ी अच्छे से स्टेप बाय स्टेप गाइस मैं सेटिंग कर रहा हूँ, फिर गाइस मैंने ब्लेंड कर दिया काफ़ी अच्छे से, यहाँ देख सकते हो। तो आप लोगों को भी गाइस ऐसे ही करना है स्टेप बाय स्टेप। तो अभी यहाँ पर गाइस हमारा लेफ्ट साइड का चीक से ड्रॉ हो चुका है, अभी गाइस मैं राइट साइड का ड्रॉ कर रहा हूँ। तो राइट साइड में भी सेम करना है गाइस, मैंने फर्स्ट रेड अप्लाई किया, देन गाइस अभी मैं सेकंड लेयर अप्लाई कर रहा हूँ प्रेशर का अप्लाई करके, देन गाइस मैं फिर ब्लेंड कर दिया काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट ब्रश से। तो अभी यहाँ पर गाइस देख सकते हो, मैं नीचे का पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप लोग को भी गाइस ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करना है, तो गाइस आप लोग भी जरूर ड्रॉ कर पाओगे। एंड गाइस, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखो। एंड चैनल में न्यू तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। एंड तब तक के लिए आप लोग देखो, मेरे को जहाँ जहाँ बोलना है मैं वहाँ पर बोलूँगा। एंड तब तक के लिए मैं काफ़ी